वेलकम टू माय चैनल नॉलेज। आज हम पूरी देशभक्ति के साथ कुछ बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस के बारे में। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था आज के दिन, इसलिए 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन हमारे देश में देशभक्ति का माहौल रहता है, क्योंकि यह वही दिन है जिस दिन हमें ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। ब्रिटिश शासन के लोग काफ़ी चतुर और अत्याचारी थे। उन्होंने हम पर करीब 200 वर्षों तक अत्याचार किए और हमारे देश को गुलाम बना के रखा हुआ था। इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। लोग गुलामी की जंजीरें तोड़कर बहुत प्रसन्न हुए थे। तब से भारत बहुत उन्नति कर चुका है। प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराकर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। वे राष्ट्र को एकजुट रहने तथा अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने की प्रेरणा देते हैं। देश के विभिन्न भागों में इस दिन चहल पहल होती है। लोग तिरंगा झंडा फहराकर एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हैं। यह दिवस हमें अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों तथा शहीदों का स्मरण कराता है। स्वतंत्रता दिवस भारत के लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर देश के नवनिर्माण की प्रेरणा देने का संदेश देता है। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिलने के बाद 22 जुलाई 1947 में भारत के झंडे को अपनाया गया। इसका हर रंग कुछ ना कुछ कहता है। आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं केसरिया रंग, जो साहस और बलिदान के लिए है। सफ़ेद रंग शांति, एकता और सच्चाई को। हरा रंग आस्था और हरियाली का प्रतीक है, जो किसानों से भी जोड़ा जा सकता है। नीला रंग आसमान और समुद्र का प्रतीक है। यदि आपको हमारी नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल नॉलेज।